हाय गाइस, वेलकम टू जेनेक्स। जेनेक्स के नेक्स्ट फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स में मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूँ मैट इफेक्ट। इस मैट इफेक्ट को एक्चुअल में बास्केट इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। आप जो सामने इफेक्ट देख रहे हैं, मैंने एक इमेज के अंदर ये इफेक्ट तैयार किया है। जिस तरीके से ये दिख रहा है कि इस तरीके से इफेक्ट पीछे से जा रहा है, फिर इसके ऊपर से आ रहा है, इस तरीके का एक शानदार इफेक्ट को आप कुछ ही मिनटों में सीख सकते हैं ट्यूटोरियल्स को देख के। तो आइए, मैं इस इफेक्ट को किस तरीके से तैयार किया ये सिखाने जा रहा हूँ। उसको पूरा वीडियो देखें और सीखें इस अमेजिंग इफेक्ट्स को कैसे हम लोग तैयार कर सकते हैं। इसको तैयार करने के लिए मेरे चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब्स करें और इसी तरीके से इफेक्ट को सीखते रहें, घर बैठे फोटोशॉप को सीखने का मजा लें। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और आइए सीखते हैं हम इस कैसे हम लोग इस इफेक्ट को तैयार कर सकते हैं। इस इफेक्ट को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमको एक इमेज की नीड होगी, जिसके लिए मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, देन इमेज को ओपन कराऊँगा। ये मैंने इमेज को ओपन कराया। जैसे ही हमारा इमेज ओपन हो जाता है, कंट्रोल जीरो से आप किसी भी पिक्चर को एक्चुअल साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी इमेज की मेरे को दो कॉपी चाहिए, मतलब कि इसी लेयर की मैं दो कॉपी करना चाहता हूं। तो लेयर की कॉपी करने के लिए हम लोग प्रेस करते हैं कंट्रोल जे। मैं दो बार कंट्रोल जे करूंगा इस इमेज के ऊपर कर्जर रखकर, कंट्रोल जे। तो देखेंगे आप इस इमेज की अब तीन कॉपीज हो चुकी हैं। सबसे नीचे वाली जो बैकग्राउंड से मुझे अब इसको एक कलर फील करना होगा, जो कलर मैं ब्लैक कलर फील करूंगा। अल्ट बैकस्पेस से मैंने इसके अंदर कलर फील करा, जो कि यहाँ से मैंने उठाया है। इस तरीके से हम बैकग्राउंड को ब्लैक कर चुके हैं। अब इसके लिए मुझे इसके अंदर ग्रिड एंड गाइड्स की नीड होती है, जिसके लिए आप कंट्रोल के साथ डबल इन्वर्टेड कॉमा से इसके अंदर ये ग्रिड एंड गाइड्स ओपन कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ से नहीं मिलती है तो आप व्यू में जाके शो के अंदर जाके भी ग्रिड को ऑन कर सकते हैं। इस ग्रिड की सेटिंग करना है मुझे, इस ग्रिड को थोड़ा सा बड़ा करना है या छोटा करना है, तो कंट्रोल के, जैसे ही आप कंट्रोल के प्रेस करते हैं तो आपके सामने प्रेफरेंसेस ओपन होता है। यहाँ पर आता है गाइड, ग्रिड एंड स्लाइसेस। यहाँ से आप ग्रिड का कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से ग्रिड का साइज सेट कर सकते हैं। जैसे मुझे इस तरीके की ग्रिड चाहिए तो हम इस तरीके के इस ग्रिड को यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको इस तरीके से इतना साइज का ले लिया है, इंचेस में सेट कर सकते हैं, ग्रिड से एवरी कम ज़्यादा। आप यहाँ से पूरी सेटिंग्स करके कलर चेंज करके देन ओके प्रेस कर सकते हैं। तो अब देखेंगे हमारे सामने एक ग्रिड ओपन हो चुकी है। कर्जर को मैं लेयर वन पे रखूँगा। यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल सिलेक्शन को सिलेक्ट करूँगा और सबसे पहले यहाँ ध्यान रखिएगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ में मैं लूँगा एड सिलेक्शन। तो यहाँ से मैंने ऐड सिलेक्शन को सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ से रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लिया है। मैं यहाँ से दो लाइन जो ग्रिड की हैं इनको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद ये जो एक लाइन है इसको मैं स्कीप कर दूँगा। नेक्स्ट टू लाइंस को मैं सिलेक्ट करूँगा। ध्यान रखिएगा हमारा जो कर्सर है वो लेयर वन पे होना चाहिए। देन इसी चीज़ को मैं रिपीट करते जाऊँगा, देन रिपीट। जैसे ही हम लोग इस चीज को रिपीट कर लेते हैं, अब आप यहाँ पर आके देखेंगे कि यहाँ पर होता है लेयर मास्क। मैं इस इमेज पे यहाँ से लेयर मास्क पे क्लिक करूँगा तो वैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पर एक वर्टिकल लेयर मास्क तैयार हो चुका है। अब इसी तरीके से मेरे को सेकेंड लेयर्स पे हॉरिजेंटिकल लेयर मास्क चाहिए, जिसके लिए मैं यहाँ से फिर वही रेक्टेंगल टूल लूँगा। अपर पे मैं यहाँ से प्रेस करूँगा टू लाइंस को, एक लाइन को स्कीप करूँगा, देन इसको मैं सिलेक्ट करते जाऊँगा। ये इस तरीके से मैंने अगेन टू टू को सिलेक्ट किया, देन प्रेस अगेन लेयर मास्क। तो अब यहाँ पर हॉरिजेंटिकल लेयर मास्क कंप्लीट हो चुका है। अब मेरा जो नेक्स्ट वर्क होगा, जिसको मेरे को प्रॉपर वो इफेक्ट देना है, उसके लिए आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले मैं कंट्रोल के साथ इस लेयर मास्क पे क्लिक करूँगा। ध्यान रखिएगा,
ये आई एरिया होता है बंद चालू करने के लिए, ये इमेज एरिया होता है, ये लेयर एरिया होता है, और ये होता है हमारा मास्क एरिया। तो मुझे मास्क एरिया पे कंट्रोल के साथ क्लिक करना है, देन अल्ट कंट्रोल और शिफ्ट के साथ सेकंड वाले मास्क पे क्लिक करेंगे, यानी कि नीचे वाले मास्क पे मैंने क्लिक किया है। तो आप देखेंगे इस तरीके से मेरे ब्लॉक्स तैयार हो चुके हैं। सबसे पहले इस ब्लॉक्स को मैं आज आपको बता रहा हूँ कि ये जो सिलेक्शन मैंने किया है इसकी नीड मुझे एक बार फिर पड़ सकती है। इसके लिए मैं सिलेक्ट में जाऊँगा और इस सिलेक्ट में जाऊँगा, देन इसी सिलेक्शन को मैं यहाँ पर सेव कर दूंगा। इसके लिए सिलेक्ट में जाके सेव सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे और इसको मैंने नाम दे दिया है जेनेक्स्ट। जेनेक्स के नाम से मैंने इस सिलेक्शन को सेव कर दिया, देन प्रेस ओके। अब इस सिलेक्शन की मेरे को कभी भी ज़रूरत पड़ी तो मैं इस सिलेक्शन को यहाँ पर ओपन कर सकता हूँ। अब मैं वापस वही हमारे रेक्टेंगल सिलेक्शन प्रॉपर्टीज के अंदर एक टूल लेने जा रहा हूँ, रिमूव सिलेक्शन। मतलब मैं सिलेक्शन में से कुछ एरिया को रिमूव करने जा रहा हूँ। मैं फर्स्ट वाले एरिया को रिमूव कर रहा हूँ, देन एक को स्कीप करने के बाद सेकेंड वाले, थर्ड वाले को, देन फिर एक को छोड़ने के बाद फिर एक। इसी तरीके से आवर नवर सिलेक्शन चलेगा, जो ऊपर चला है नीचे से अलग रहेगा। आप देखते जाइए, मैंने इसमें अलग सिलेक्शंस लिए हैं, देन अगेन इसमें अलग सिलेक्शंस। देख सकते हैं आप अवर नवर मेरे साथ चलता जा रहा है रिमूव सिलेक्शन। इस तरीके से मैं पूरे सिलेक्शंस को कवर करते जाऊंगा। इस तरीके से पूरा हो चुका है। अब ध्यान से देखिए, मैं किसी एक इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा ये इमेज है, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, देन प्रेस कंट्रोल जे। जैसे आप कंट्रोल जे करते हैं तो ये जो टुकड़े थे इस तरीके से उठ के आ चुके हैं हमारे पास, ये देखिए जो सिलेक्शंस के थे। इसी चीज को मैं एक बार फिर दोहराने जा रहा हूँ, इसीलिए मैंने उस सिलेक्शन को सेव करके रखा था। मैं कर्जर को अपर लेयर पे रख रहा हूँ, देन यहाँ से सिलेक्ट पे जा रहा हूँ, देन लोड सिलेक्शन। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे मैंने जेनेक्स नाम से सिलेक्शन को सेव किया था, देन ओके। तो वो जो सिलेक्शन है वो चीज़ मेरे पास फिर आ चुकी है। लास्ट टाइम आपने देखा था मैंने सबसे पहले इसको रिमूव किया था, इसी चीज़ का मेन हमको ध्यान देना है। अब मैं जो रिमूव सिलेक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ सेकेंड वाले ऑप्शन से, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, वही अवर नवर रिमूव सिलेक्शन मेरा स्टार्ट हो चुका है। इस तरीके से जो लास्ट टाइम हमने जिन बॉक्सेस को छोड़ा था उन्हीं चीज़ को अब मैं यहाँ पर स्कीप करते जा रहा हूँ। इस तरीके से देखिए किस तरीके से मैं यहाँ पर इसको स्कीप करते जा रहा हूँ, किस तरीके से एक एक अवर नवर यहाँ पर रिमूव सिलेक्शन चलता जा रहा है। इस तरीके से जैसे ही मेरा अवर नवर रिमूव सिलेक्शन कंप्लीट होता है, अगेन वही मुझे एक इमेज पे क्लिक करना है, ये इमेज होती है, देन प्रेस कंट्रोल जे। तो यहाँ से भी उसी तरीके से जैसे यहाँ से हमने टुकड़े उठाए थे उसी तरीके से इमेज के टुकड़े अब ऊपर आ चुके हैं। तो अब दोस्तों देखिए कि किस तरीके से मैं इस पर वही मैट इफेक्ट अप्लाई कर सकता हूँ। उसको देखने के लिए गौर से देखिए, ये जो लेयर एरिया है मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आता है ब्लेंडिंग ऑप्शन। ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे हम लोग जैसे ही क्लिक कर देते हैं, इसकी सेटिंग्स को गौर से देखिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर लेने जा रहा हूँ आउटर ग्लो, और आउटर ग्लो पे राइट लगाने से ही कुछ नहीं होता, हमें यहाँ आउटर ग्लो पे क्लिक करना होता है, उसको सिलेक्ट करना होता है, तभी यहाँ इफेक्ट्स हमको दिखाई देते हैं। इसमें सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्स को सिलेक्ट करेंगे नॉर्मल, देन हमारा जो कलर दिखाई दे रहा है आपको उसके अंदर हम लोग ब्लैक कलर फील करेंगे, क्योंकि शेडो का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। यहाँ से मैंने ब्लैक सिलेक्ट किया, देन ओके। यहाँ से अब आप इसका साइज सेट करेंगे, आप देखेंगे कि इमेज पे देखिए गौर से शेडो आती जा रही है। यहाँ से मैं इसकी स्प्रेड बढ़ा रहा हूँ ताकि शेडो थोड़ा सा गहरा दिखे। देन 21109 को मैंने यहाँ सेट कर दिया है, मुझे शेडो इस तरीके से दिखाई दे रही है, देन प्रेस ओके। जैसे ही मैं इस पर ओके प्रेस करता हूँ यहाँ पे देखिए इफेक्ट हमारे आ चुके हैं। अब मैं इसी इमेज पे फिर राइट क्लिक कर रहा हूँ, देन कॉपी लेयर स्टाइल, क्योंकि मुझे इसी टुकड़ों पे वही इमेज इफेक्ट परफॉर्म करना है, तो मुझे इसको वापस करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी पे मैंने कॉपी कर लिया। अब इसी पे आके राइट क्लिक पेस्ट लेयर स्टाइल, तो इस तरीके से वो जो इफेक्ट है वो वर्टिकल पे भी अप्लाई हो चुका है। इसके बाद हम वापस लेयर थ्री पे जाएंगे, देन राइट क्लिक क्रिएट क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क करने से जो उसका ओवर राइट एरिया होता है वो हमारा हट जाता है, और इसी क्लिपिंग मास्क को हम लेयर टू पे भी अप्लाई करेंगे, राइट क्लिक से क्रिएट क्लिपिंग मास्क। अब हमारा इफेक्ट तैयार हो चुका है दोस्तों, लेकिन आपको यहाँ अभी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जब तक मैं यहाँ से ग्रिड को नहीं हटाऊंगा जब तक वो आपको दिखाई नहीं देगा।
ग्रीड को हटाने के हमारे दो तरीके, या तो आप कंट्रोल के साथ डबल इन्वर्टेड कॉमा प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप व्यू में जाके वही शो के अंदर जाके ग्रीड को हटा सकते हैं और देखिए किस तरीके से हमारा एक मैट इफेक्ट तैयार हो चुका है दोस्तों, एकदम फिनिशिंग से मैट इफेक्ट तैयार हो चुका है। किस तरीके से ये ग्रीप जो दिख रहा है ये पीछे से जा रहा है, आगे से आ रहा है, फिर इसके अंदर से ऊपर से जा रहा है, फिर इसके पीछे से जा रहा है, इस तरीके का बास्केट इफेक्ट, इस तरीके का मैट इफेक्ट आप भी अब आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से मेरे चैनल से आप फोटोशॉप को सीखते रहिए, अच्छे अच्छे इफेक्ट्स आपके पास मैं लाता रहूँगा। इसको देखने के लिए लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स करें मेरे चैनल्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।